सो गाइस, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि लगभग 450 सीसी की बाइक 2 लाख के अंदर आ सकती है, लेकिन ये काम हीरो ने कर दिया है। एंड वो है मैवरिक 440। बेसिकली ये जो बाइक है ये पूरी बेस्ड है हार्ले डेविडसन की X440 पे। एंड आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। आप पहले इनको पढ़िए और उसके बाद मैं पूरी बाइक को आपको दिखाता हूँ। करते हैं बाइक की बात। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये कितनी प्रीमियम बाइक है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि यहाँ पे ये जो गार्ड्स लगे हुए हैं ये भी मेटल के दिए हुए हैं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल है। फ्रंट में आपको इसमें LED लाइट्स एंड DRL देखने को मिल जाते हैं, LED ही इसमें टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं आपको। उसके बाद अगर आगे चलें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। साइड की अगर बात करें तो साइड में यहाँ पे आपको प्लास्टिक इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हीरो का बैज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको वाइब्रो के यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, एंड बहुत ही बड़े डिस्क ब्रेक्स हैं भाई ये। यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, ये देखिए। एंड ये है इसका 440 सीसी का आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको उस पैम्पलेट में दिखा ही चुका हूँ। और ये है इसका कुछ साइड पूरा प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल अगर देखें तो काफ़ी स्टर्डी लुक्स हैं इसकी, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको मैवरिक 440 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ऊपर यहाँ पे भी आपको मैवरिक 440 देखना लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये देखिए, जो जेट हमारे होते हैं, एयर जेट्स होते हैं, उनकी शेप में यहाँ पे आपको ये पूरा फ्यूल ओपनिंग जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इसकी सीटिंग है, सीटिंग कम्फर्ट इसमें काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो इसका पोस्चर है वो ये देखिए, आप इसका पोस्चर देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। ये इसका एग्जॉस्ट हो गया, और पीछे अगर चलें तो यहाँ भी आपको ये मेटल स्ट्रक्चर दिया गया है। पीछे से इसकी जो लुक्स है, पीछे भी इसमें आपको LED लाइट दी गई है। एंड यहाँ पे आपको इसमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका रियर रिफ्लेक्टर्स, एंड ये है इसकी कुछ रियर की लुक्स। ये देखिए इसकी कुछ रियर लुक्स ही कुछ इसकी ऐसी लगती हैं। एंड अगर मैं इसका आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको इंजन का स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है वो देखने को मिल जाता है। HIDS लाइट बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पासिंग का फीचर एंड जो लाइट को हाई बीम पे करना होता है वो फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड हॉर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल इसका अगर इसी में की दिखाऊं तो की ये देखिए, की इसकी कुछ ऐसी है, ये देखिए। तो कुछ ऐसी ये बाइक है, इसका जो पूरा अगर मैं स्टांस दिखाऊं, इसके आपको मिरर भी पूरे ये ऐसे मिलते हैं, ये देखिए राउंड मिलते हैं। तो बड़ी क्लासिकल इसको थोड़ी सी इमेज दी गई है इस बाइक को, और काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका खुद का कॉम्पिटिशन होगा जो हार्ले डेविडसन की X440 है, वो ही इसका कंपटीशन है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा ये उसको कॉम्पीट कर पाती है, क्या उससे आगे निकलती है या नहीं। तो ये थी हीरो की मैवरिक 440। आपको ये बाइक कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे भी ये देखिए X-Torq, इसमें जो एक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसका नाम है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।